राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज असम में प्रवेश कर चुकी है। शिवसागर जिले से शुरू होकर यह यात्रा असम के 17 जिलों से गुजरेगी और 833 किलोमीटर का सफर तय करेगी। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा में असम पर खास फोकस है। असम में यात्रा 8 दिनों तक चलेगी। असम के शिवसागर जिले के आमगुरी और जोरहाट जिले के मरियानी इलाके में राहुल गांधी 2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। साथ ही जनसभा से पहले राहुल गांधी आमगुरी और मरियानी में रोड शो भी करेंगे। असम में यात्रा सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली से भी गुजरेगी। आपको बता दें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कारण असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने 18 जनवरी और 19 जनवरी को जोरहाट और डेरगांव में अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है। कांग्रेस ने बुधवार को एक वेबसाइट और ईमेल आईडी जारी कर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। पार्टी की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने कहा, यह कवायद लोगों से सुझाव प्राप्त करने के लिए है, यह जन घोषणा पत्र होगा। वहीं नागालैंड में यात्रा पूरी करने के बाद कांग्रेस का मुख्य फोकस असम पर होगा। आइडियोलॉजिकल यात्रा, इट इज डिजाइन टू प्लेस सर्टन इश्यूज ऑन द टेबल एंड frankly to place squarely on the table the issue of huge amount of injustice that is taking place in this country. There is an election campaign, we will fight that election campaign, there will be an election process, we will take part in that process, but the yatra is to place certain ideas on the table firmly in front of the people of India, and these are ideological ideas. It's a alternative vision to what the BJP says, the divisive vision of the BJP. Ideological yatra, it is designed to place certain